शादी के बाद पत्नी के आधार कार्ड में पिता से पति का नाम और एड्रेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको भी ये जानना है तो उस क्लेज वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच करते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है UIDAI। आपके सामने आधार कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट आएगी UIDAI.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज करनी है, जैसे हम यहाँ पर इंग्लिश चूज कर लेते हैं। तो उसके बाद आप आधार कार्ड की ऑफिशियली वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए दूसरे नंबर पर अपडेट आधार वाला एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा, लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको एक कैप्चा लिख कर आएगा, उस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करना है, सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर OTP पर डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आप इसमें लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन अपडेट सर्विस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी तक आपके सामने इस तरीके का पहला एक ही ऑप्शन आता था, जिसमें लिखा होता था अपडेट आधार ऑनलाइन। यहाँ पर अब आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें लिखा होगा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अभी आली प्रेजेंट में, करेंट में जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस डाला होगा वो आपके सामने शो होगा। आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर आपको अपने पति का आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे ही आप अपने पति का आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो आपके पति के आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली नीचे उसके लास्ट के 4 डिजिट शो होने लगेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिलेशनशिप टाइप का, इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से चूज कर लेना है। जैसे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पति के आधार कार्ड से कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर हस्बैंड चूज करेंगे। लेकिन अगर आप अपने फादर के आधार कार्ड से चेंज कर रहे हैं तो फादर चूज कर लीजिए, मदर से कर रहे हैं तो मदर चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको इस तरीके का एक फॉर्म डाउन मिलेगा इस तरीके से तीसरे नंबर पर। तो आपको इस फॉर्म को प्रिंट करा लेना है, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, तो इस फॉर्म को कौन भरेगा, सर्टिफायर, यानी दोस्तों जो आपका मतलब गवाह बन रहा है, जिनके आधार कार्ड से आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करा रहे हैं। जैसे इन केस आज की वीडियो में हम पति के आधार कार्ड से कर रहे हैं तो इस फॉर्म को पति भरेगा, तो यहाँ पर पति की डिटेल्स भरी जाएगी। जैसे यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर पति का नाम डलेगा, यहाँ पर ऑफ में एड्रेस पति का डलेगा, जो पति का एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पति का आधार कार्ड नंबर डलेगा, फिर यहाँ पर दैट रेसिडेंट मिस्टर एंड मिसेज लिखा है, यहाँ पर पत्नी का जिनके आधार कार्ड में करेक्शन हो रहा है उनका यहाँ पर नाम डलेगा, उसके बाद यहाँ पर उनका आधार नंबर डलेगा, फिर यहाँ पर उनसे मतलब संबंध क्या है, जैसे हस्बैंड है, वाइफ लगती हैं, पति भर रहा है तो पति की मतलब जो आपने नाम भरा है वो क्या लगती हैं, जैसे पति की ये पत्नी लगती हैं तो यहाँ पर वाइफ भर दिया जाएगा। जैसे फादर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यहाँ पर लड़का आएगा तो सन लिख दिया जाएगा, लड़की या डॉटर लिख दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी लड़की का नाम आएगा पत्नी का, फिर नीचे यहाँ पर भी पत्नी का नाम आएगा, यहाँ पर पति के सिग्नेचर होंगे जो इस फॉर्म को भर रहा है। उसके बाद यहाँ पर डेट डिल की जाएगी, जैसे ही आप डेट डाल देते हैं तो ये फॉर्म 3 महीने तक वैलिड रहता है, 3 महीने के बाद इसका मतलब जो वैलिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर से आपको दोबारा से इस फॉर्म को भरना होगा। पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको इस पेज का फ़ोटो ले लेना है या प्रिंटर से स्कैन करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज पर आना है, उसके बाद दोस्तों आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल
मिलता है व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक करना है। जहाँ कहीं भी आपके स्मार्टफोन में कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स पड़ा हो वहाँ से आकर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अपलोड होते ही आपके सामने देखिए इस तरीके से 100% लिखकर आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपके सामने पेमेंट वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस चेंज करने के लिए ₹50 का पेमेंट करना होगा। तो आपको आई हेयर बाई का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको पे यू बिस पर क्लिक करना है, मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। आप पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यूपीआई के थ्रू करेंगे तो हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट सक्सेस होते ही आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस लिखकर आ जाएगा। आपको देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको एक स्लिप डाउनलोड होगी। आपको उस स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको एक SRN नंबर मिलेगा, उस SRN नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। अब SRN नंबर कॉपी करने के बाद ही आपको एक दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा। अभी तक ये पहली स्टेप थी, आपको लॉगिन वाले पेज पर वापस से आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने पति के आधार कार्ड नंबर डालना है, यानी जिसके आधार कार्ड से आपने अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज किया था उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। कैप्चा को फिल करना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है, एंटर OTP डालना है। जो पति के आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होगा वो उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप अपने पति के आधार कार्ड में भी लॉगिन कर जाएंगे। यहाँ पर आएंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है माई हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड की थी उस पर SRN नंबर लिखा था, उस SRN नंबर को यहाँ पर डालकर इसको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और आपके आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज कर दिया जाएगा। एड्रेस चेंज होने में 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से बिना किसी डॉक्यूमेंट के पत्नी के आधार कार्ड में पिता से पति का नाम और एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।